9.11 हम लोग पढ़ते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनु आश्रितम् परम भावम अजानन्तो मम भूता महेश्वरा। तो इस श्लोक में कृष्णा बता रहे हैं कि अवजानन्ति मां मूढ़ा, मतलब मूढ़ा मतलब मूर्ख, संस्कृत में मूर्ख वो मूढ़ा बोलते हैं, और अवजानन्ति मतलब जो मुझे नकारते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा, जो मूर्ख होते हैं वो मुझे नकारते हैं। और क्या क्या नकारते हैं, किस तरह से नकारते हैं, क्या बोलते हैं वो लोग? मानुषिम तनुम आश्रितम, कि मैं मनुष्य, ये जो मेरा तनु मतलब शरीर, कि मेरा जो ये शरीर है वो क्या मनुष्य की तरह है और मैं मनुष्य ही हूँ। जैसे मैं और आप इस जन्म लेते हैं, ऐसा मैं मनुष्य के रूप में जन्म लेता हूँ और ये एक भौतिक रूप है मेरा। परम भावम अजानतो, वो लोग ये नहीं, अजानतो मतलब जो ये नहीं समझ पाते, क्या नहीं समझ पाते, परम भावम कि मेरा जो स्वभाव है वो परम है, ट्रांसेंडेंटल नेचर है मेरा। परम भावम अजानतो कि मेरे इस ट्रांसेंडेंटल नेचर को वो नहीं समझ पाते। कौन क्या है वो ट्रांसेंडेंटल नेचर? मम भूता महेश्वरम, कि आई एम द सोर्स ऑफ ऑल एक्सिस्टेंस, आई एम द कंट्रोलर ऑफ ऑल एक्सिस्टेंस। सो महेश जनरली हम शिव जी के लिए यूज करते हैं महेश, सो एक्चुअली ये जेनेरिक वर्ड है। ऐसे महेश को ऐसा जैसे हम बोलते हैं ना कि आप महान हैं, तो महान कुछ नाम नहीं है, एक जेनेरिक वर्ड है। ऐसे महेश्वर मतलब एक जेनेरिक वर्ड है। महेश मतलब क्या, महा मतलब ग्रेट और ईश मतलब कंट्रोलर। सो जो ग्रेट कंट्रोलर है, ग्रेटेस्ट कंट्रोलर, उसको महेश्वर बोलते हैं, जो कंट्रोल कर सकता है, महेश्वर। सो कृष्णा परम महेश्वर है, वो शिव जी और ब्रह्मा जी को भी कंट्रोल करते हैं। तो ये उनका दिव्य स्वभाव है, ट्रांसेंडेंट। परम भावम अजानतो मम भूता महेश्वरा। यस, पढ़िए इसका ट्रांसलेशन। फूल्स डिराइड मी व्हेन आई डिसेंड इन द ह्यूमन फॉर्म, दे डू नॉट नो माय ट्रांसेंडेंटल नेचर एज द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ ऑल दैट बी। सो कृष्णा बोलते हैं कि मूर्ख व्यक्ति वो है जो ये मानता है कि मैं मनुष्य हूँ, जो कृष्णा को ऑर्डिनरी व्यक्ति गिनते हैं, जो है ना, जैसे कंस थे, जरासंध, शिशुपाल, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, ये सब लोग ये सोचते थे कि कृष्णा जो है वो भगवान नहीं है, कोई कोई मिस्टिक योगी होगा या कोई ये ग्वाला होगा या कोई डिप्लोमेट होगा, इस तरह से वो कभी कृष्णा को समझ नहीं पाते थे। और उनका जो ये परम भावम, जो डिवाइन नेचर है, उसको वो डिसरिगार्ड करते थे। अवजानन्ति, उसको डिसरिगार्ड करते थे। क्यों डिसरिगार्ड करते थे, क्यों कृष्णा को वो भगवान नहीं मानते थे? क्योंकि वो मनुष्य के फॉर्म में है और इस तरह से बिहेव किया एकदम मनुष्य की तरह, है ना, किसी के अंडर भी कंट्रोल में आ जाते थे। भगवान अर्जुन के सामने दो भुजाओं के रूप में प्रकट हुए, द्विभुज रूप में प्रकट हुए। हालांकि भगवान ने, कृष्णा ने अर्जुन को विश्वरूप दर्शन दिखाया, चतुर्भुज का भी दर्शन दिखाया, बट अर्जुन वो रूप को देख के इतना खुश नहीं हुआ, इतना पीसफुल सेटिस्फेक्शन उसको फील नहीं हुआ। वो ये सोच रहा था कि मैं इस रूप के साथ कैसे मित्रता करूं, क्योंकि अर्जुन जो था वो सखा के रूप में, सखा के भाव में कृष्णा के साथ डील कर रहा था। तो विश्व रूप दर्शन दिखाया, चतुर्भुज दर्शन दिखाया, पर अर्जुन के अंदर वो फीलिंग नहीं आया फ्रेंडशिप का। तो अर्जुन को, अर्जुन के साथ इंटीमेसी के साथ डील करने के लिए, अर्जुन जैसे भक्तों के साथ एकदम क्लोज आदान प्रदान करने के लिए, कृष्णा ने फिर टू हैंड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इसलिए मनुष्य जैसा व्यवहार, मनुष्य जैसा बिहेवियर उन्होंने किया। वो किसी के पुत्र बन गए, किसी के कजिन बन गए, है ना। सुभद्रा उनकी
बहन थी, उस अपनी बहन का विवाह अर्जुन से कराया ताकि अर्जुन के और क्लोज रिलेशन में आ जाए वो, सो और इंटीमेसी के साथ वो डील करे। सो कृष्णा बोलते कि मैं इस तरह से माखन चुराता हूँ, गायों को चराने जाता हूँ, दोस्तों के साथ खेल कूद करता हूँ, क्योंकि ये मेरे भक्तों को आनंद देता है, और जो ये सब लीलाओं का श्रवण करता है वो भी मुझसे अट्रैक्ट हो जाता है और उसका भी उद्धार हो जाता है। सो कृष्णा क्यों ह्यूमन पास टाइम प्ले करते थे? दो रीजन से। क्यों मनुष्य के रूप में? दो रीजन। पहला कि भक्तों के साथ क्लोज रिलेशन बनाने के लिए, और दूसरा कि वो पास टाइम्स जो सुनेंगे उनका भी उद्धार हो जाएगा, वो भी लिबरेट हो जाएंगे। सो ये दो रीजन की वजह से कृष्णा ह्यूमन फॉर्म लेके मनुष्य के समाज में लेके मनुष्य जैसा रोल प्ले करते थे टू हैंडेड फॉर्म में। बट कृष्णा को ये भी पता था कि बहुत सारे असुर लोग आएंगे जो मुझ पे डाउट करेंगे, वो मेरी भगवत्ता को नहीं सिखाएंगे, और इसलिए उन्होंने एकदम एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्ट्स भी किए, अलौकिक लीलाएं भी की, जैसे देवकी और वसुदेव को चार भुज के रूप में प्रकट हुए और उनको उनकी प्रार्थना उन्होंने एक्सेप्ट किया, फिर वो उनको कुछ उपदेश दे रहे हैं, और चतुर्भुज के फॉर्म में उनको बता रहे हैं कि आप हर जन्म में मेरे माता पिता रह चुके हो, पिछले जन्म में क्या क्या तपस्या की थी वो सब डिस्क्राइब करने। तो ये अलौकिक लीला है, कोई साधारण बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। फिर वृंदावन में अनेक असुरों का वध किया उन्होंने, गोवर्धन पर्वत धारण किया उन्होंने। एक बार जब गाय चराने गए तो पूरे जंगल में आग लग गई, वो पूरी अग्नि को पी लिया उन्होंने ना, हम जैसे कुछ गरम दूध या गरम चाय पिए कितना मुंह हमारा जल जाए, सोचिए कृष्ण ने पूरा अग्नि को पी लिया एकदम। सो ये अलौकिक लीला है। तो कृष्णा ने ये लीला भी इसलिए की, कालिया के ऊपर उन्होंने डांस किया। सो कृष्णा को पता था कि मैं एकदम इंटीमेसी के साथ अपने भक्तों के साथ डील करूंगा तो दूसरे मूर्ख लोग जो है वो मुझे सामान्य मानेंगे, इसलिए उन्होंने अलौकिक लीलाएं भी की। पर अनफॉर्चुनेटली अलौकिक लीला करने के बावजूद भी वो लोग जो थे कृष्णा को भगवान नहीं एक्सेप्ट कर पाए, तो ये उनका अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। अब अगर हम श्लोक में देखें, एक इम्पॉर्टेंट वर्ड आता है, एक्चुअली दो वर्ड आते हैं, अवजानंती और अजानतो। दोनों में एक्चुअली डिफरेंस है। अगर आप ट्रांसलेशन देखें, अवजानंती मतलब नकारना, डिराइड, और अजानतो मतलब जानकारी नहीं हो, नॉट नोइंग, राइट। सो तीन चीजें हैं, मैं आपको बता दूं, राइट। तीन वर्ड है, जानाती, अजानाती, अवजानाती। सो कृष्णा इस श्लोक की शुरुआत करते हैं अवजानाती। सो जानाती मतलब क्या? जिसको ज्ञान है, जिसको नॉलेज है कि कृष्णा जो है वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है और ही इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, ये इसको बोलते हैं जानाती। सो उससे क्या होगा, जब ये समझ जाते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योगेति तत्पतः नैति मामेति त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म, तो जो भगवान के इस दिव्य स्वभाव को समझ जाता है वो ये जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। तो जानाती वाली कैटेगरी वो है, ठीक है। अब अजानाती मतलब क्या? जिसको नॉलेज नहीं है, इग्नोरेंस में है, जो अपोजिट है, जो जिसको पता ही नहीं है कृष्णा कौन है और भगवान कौन है, क्या कंसेप्ट है, कुछ स्पिरिचुअलिटी का कुछ कंसेप्ट नहीं पता है उन्हें। सो ये है अजानाती। और अवजानाती मतलब क्या? मिसअंडरस्टैंडिंग, कि कृष्णा को वो ऐसा मानते हैं कृष्णा को हम समझ चुके हैं, मिसअंडरस्टूड कर लिया है कृष्णा को। तो एक
सेकंड कैटेगरी जो है होता है वो इग्नोरेंस, और थर्ड कैटेगरी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग। अब आप लोग ये बताइए कि तीन कैटेगरी हमने देखी, जानाती, अजानाती और अवजानाती, सबसे डेंजर कौन सा है इसके अंदर? अवजानाती ब्रो। सो अवजानाती डेंजर है। अभी क्यों अवजानाती डेंजर है? क्यों अवजानाती डेंजर इसको यहाँ पे अवजानाती इसलिए डेंजर है क्योंकि वो मतलब उसको हो जाता है कि वो नॉलेज हो गया है तो फिर वो कुछ भी करता है, मतलब वो मतलब उसके बाद वो भाव नहीं रहता है, मतलब जो रहना चाहिए। So, एक ऑब्स्टेकल है इग्नोरेंस, दूसरा ऑब्स्टेकल है मिसअंडरस्टैंडिंग। सो अजानाती मतलब इग्नोरेंस और अवजानाती मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग। सो दोनों में जो डेंजर है वो है अवजानंती। सो प्रभुपाद जैसे जब भारत में थे तो कृष्णा भक्ति का प्रचार कर रहे थे पर लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि लोग ये मानते थे कि हम कृष्णा को समझ चुके हैं, हमें मत समझाइए, हमें बताया गीता क्या है, कृष्ण क्या है। और उन्हें पता था कि कृष्ण एक महान पुरुष थे और उन्होंने कुछ दिव्य संदेश दिया है भगवद गीता के अंदर, पर अभी के समय इतना इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छा संदेश, या फिर वो मायावादी लोग जो ये समझते हैं कि कृष्णा जो है वो एक परम सत्य का चिन्ह है और वो अजन्म है और वो निराकार है, एक शक्ति है। सो ये सब अवजानंती कैटेगरी, जो समझते हैं कि हम कृष्णा को समझ गए और अपने बुद्धि से वो करते हैं एक्ट। फिर जब प्रभुपाद अमेरिका गए तो वहां पे कौन सी कैटेगरी के लोग मिले? अजानती, उन्हें पता ही नहीं था कृष्णा कौन है, भगवान कौन है, क्या है। तो क्योंकि उन्हें पता नहीं था इसलिए उन्होंने इजीली एक्सेप्ट कर लिया, कोई मिसकंसेप्शन, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं था। तो वेस्टर्न लोग अजानती कैटेगरी में, इंडियंस लोग अवजानती कैटेगरी, इसलिए इंडियंस लोग ज्यादा अनफॉर्चुनेट है, उन्हें पता ही, वो समझते हैं कि हमें सब पता है, इसलिए वेस्टर्न लोगों ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया कृष्णा कॉन्शियसनेस को, प्रभुपाद को वहां पे सबसे पहले सक्सेस मिली। सो एक है इग्नोरेंस, एक है मिसअंडरस्टैंडिंग, दोनों ऑब्स्टेकल है, पर मिसअंडरस्टैंडिंग बड़ा ऑब्स्टेकल है। क्यों? क्योंकि जो ऑलरेडी स्क्रिप्ट उसके माइंड में, उसको पहले उसको मिटाना पड़ेगा, फिर ओरिजिनल स्क्रिप्ट उसको डालना पड़ेगा ऐसा। सो इसलिए कृष्णा दो वर्ड इधर यूज करते हैं। अब आप देखिए इसके अंदर अवजानंती माम मूढ़ा और परम भावम अजानतो। सो अजानतो मतलब इग्नोरेंस, अवजानंती मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग। तो मूढ़ा लोगों ने मुझे मिसअंडरस्टैंड कर लिया है कि मैं मनुष्य हूं, और अजानंती उनको ये नहीं पता है कि मेरा ट्रांसेंडेंटल नेचर है, मेरा डिवाइन नेचर है। तो ये डिफरेंस है अवजानती और अजानती। सो एक्चुअली ये जो ट्रांसेंडेंटल नेचर जो कृष्णा इसमें यूज कर रहे हैं परम भाव, इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये भी हम ले सकते हैं कि भगवान परम सत्य है पर वो एक व्यक्ति है जिनका एक स्वरूप है पर वो अनलिमिटेड भी है। तो ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है जो हमने लास्ट सेशन में देखा था, वो ऐसे स्वरूप में इस फॉर्म में है कि यशोदा माता की गोद में बैठ सके, पर जब वो मुंह खोलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड दिखता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखते हैं। तो ये है ट्रांसेंडेंटल नेचर। तो अजानती ये चीज उनको नहीं पता, इसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ये समझ के ही परे है। जो चीज समझ के परे है उसका मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं सकता, जो चीज हम लोग सोचते हैं समझ गए हैं उसका मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। तो वो ये समझ नहीं पाते कि कृष्णा का ऐसा डिवाइन ट्रांसेंडेंटल नेचर है कि वो यशोदा माता की गोद में है पर मुंह खोले तो पूरा ब्रह्मांड दिखे, तो ये कैसे हो सकता है, तो ये डिवाइन नेचर है। तो ऐसे लोगों का क्या होता है, कृष्णा जो है वो अगले श्लोक में बताते हैं।
टेक्स्ट नंबर 12 में तो ऐसे लोग के साथ क्या होता है, परपोर्ट में कुछ अच्छे पॉइंट्स लिखते हैं, ये सब पढ़ सकते हैं हाइलाइट्स। They do not know the confidential activities of the Supreme Lord and his different energies. They do not know that Krishna's body is a symbol of complete knowledge and bliss, that he is the proprietor of everything and that be and that he can award liberation to anyone. Because they do not know that Krishna has so many transcendental qualifications, they deride him. Mm-hmm. Appearance of Supreme... Yes. Yeah, sir, nor do they... Nor do they note that the appearance of Supreme Personality of Godhead in this material world is a manifestation of his internal energy. He is the master of material energy. तो ये जो मूढ़ा लोग जो है अवज्ञानंती, उनको बहुत सारी चीजें नहीं पता है, उनको ये नहीं पता है कि भगवान के जो गुह्य कार्य है अपनी शक्ति के द्वारा जो वो करते हैं, उनका जो शरीर है वो सच्चिदानंद है और वो सुप्रीम प्रोपराइटर है और वो किसी को भी मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, और वो जब इस पृथ्वी पे आते हैं तो अंतरंग शक्ति के द्वारा आते हैं, ये सब उनको नहीं पता है। वो पूरे ब्रह्मांड को भी कंट्रोल कर सकते हैं और एक छोटे से अणु के अंदर भी जा सकते हैं और अलूफ रहते हैं फिर भी, तो ये सब चीजें उनको नहीं पता है। इसको वो कैटेगरी के लोग जो है वो मूढ़ा है। अब क्या होता है इनके साथ, पढ़ते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। तो यहाँ पे मोघ शब्द यूज किया है। मोघ मतलब मोघ, मोघ मतलब समझ लीजिए आपकी फेल हो जाना या वेस्ट हो जाना या फ्रस्ट्रेटेड हो जाना या डिफीट हो जाना, ये सब मोघ शब्द है। वेस्ट हो जाना, फेल हो जाना, तो क्या होता है मोघ आशा। तो ऐसे लोगों की आशाएं जो है वेस्ट हो जाती है, फेल हो जाती है, होप्स सारे उनके चले जाते हैं। फिर मोघ कर्मणो, ऐसे लोग के कर्म भी वेस्ट हो जाते हैं। मोघ ज्ञान, ज्ञान भी उनका डिफीट हो जाता है। विचेतसा, विचेतसा मतलब क्यों ये हो जाता है, सब मोघ क्यों हो जाता है, बिकॉज ऑफ विचेतसा। विचेतसा का सब मीनिंग देखें, बेविल्डर्ड, क्योंकि वो ये समझते हैं कृष्ण एक मनुष्य है, तो इसलिए इनकी आशाएं, इनके कर्म और इनका ज्ञान सब कुछ वेस्ट हो जाता है, क्योंकि वो कंफ्यूज हो चुके हैं कि कृष्ण मनुष्य है ऐसा करके। फिर क्या होता है, राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिता। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, राक्षस और आसुर मतलब डेमोनियक और एथिस्ट, ऐसे स्वभाव को वो स्वीकारते हैं और उसकी शरण लेते हैं। तो ये मटेरियलिस्टिक लोगों का डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर, पढ़िए ट्रांसलेशन। Those who are thus bewildered are attracted by demoniac and atheistic views. In that deluded condition, their hopes for liberation, their fruitive activities, and their culture of knowledge are all defeated. Defeated. So, उनकी आशाएं, उनका ज्ञान और उनके कर्म सब कुछ defeat हो जाते हैं। So, मोघ मतलब आशा मतलब क्या, कि वो होप करते हैं कि अभी परिस्थिति अच्छी हो जाएगी, अभी मैं ये अचीव कर लूंगा, मैं वो अचीव कर लूंगा, बट वो भी फेल हो जाते हैं। और कर्म, मोघ कर्म मतलब कि वो बहुत सारे प्लानिंग्स करते हैं कि ये प्राप्त कर लूंगा और उस पर वो एक्टिव करते हैं, ये सोच के कि मैं ये गोल अचीव कर लूंगा और बहुत मेहनत करते दिन रात, वो भी वेस्ट हो जाते हैं। और मोघ ज्ञान मतलब कि जितना वो स्पेकुलेट करते हैं, रिसर्च करते हैं, वो सब भी वेस्ट हो जाते हैं, मिसडायरेक्टेड हो जाते हैं। कृष्णा उनके सामने है पर वो पीछे करके ऐसे देखेंगे, कृष्णा की तरफ नहीं देखेंगे। तो ऐसे लोग क्या, राक्षसीम आसुरीम चैव, तो राक्षस और आसुरिक जैसी चीजों को वो एक्सेप्ट करते हैं, ऑलरेडी उनके अंदर मिसकंसेप्शन है और वो मिसकंसेप्शन की वजह से
जो भी वो प्रैक्टिस करते हैं स्पिरिचुअलिटी के अंदर वो सब वेस्ट हो जाता है। कर्म बंधन में तो फंस ही जाते हैं, पर और गहराई के साथ वो और इल्यूजन में जकड़ जाते हैं। ये इनका डेस्टिनेशन होता है, ये चीज होती है इनके साथ। सो परपोर्ट में हम देखते हैं तो फेट ऑफ दुरात्मा, इन ऐसे लोग को दुरात्मा बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, इनके साथ दो चीजें होती है, एक तो डेमोनियक और एथिक्सिक व्यू से वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, और दूसरा उनके जो होप्स है, होप्स मोगा आशा है लिबरेशन की, फ्रूटिव एक्टिविटीज, कल्चर ऑफ नॉलेज, ये सब डिफीट हो जाते हैं। तो हु इज डेमोनियक और एथिस्टिक, कि ये लोग जो है कृष्णा के प्रति, कृष्णा को नहीं समझते क्योंकि ये कृष्णा से ईर्ष्या करते हैं, ये लोग कभी कृष्णा के शरण में नहीं जाते। और ऐसे लोग का क्या कन्विक्शन है कि भगवान और जीव एक ही है, ये लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान और जीव एक है, कोई अंतर नहीं है, हम भी भगवान बन सकते हैं, आप भी भगवान बन सकते हो, हर कोई भगवान बन सकता है। और भगवान जो आते हैं, जो कृष्णा आते हैं, उनको वो इस तरह से मानते हैं कि कृष्णा एक मनुष्य रूप में आए थे, उसके अंदर जो व्यक्ति है उसकी शरण लो, वो निर्गुण है, वो निराकार है, उन्होंने जस्ट एक मनुष्य शरीर के अंदर आए हैं और आदान प्रदान कर रहे हैं, बट वो है अल्टीमेटली वो इम्पर्सनल है। और यू नो फिर ऐसे लोगों के साथ ये सब चीजें होती है, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाते हैं और इनका जो रियल नॉलेज है वो कवर हो जाता है, और सबसे अंधकार वाले रीजन में, ये जो पूरे मटेरियल क्रिएशन है उसका सबसे अंधकार वाला रीजन है, उस रीजन में वो लोग चले जाते हैं। उस रीजन का मतलब कि उनका ज्ञान कवर हो जाता है। तो ऐसे कई सारे असुर थे, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है, इट इज अ ग्रेट ऑफेंस टू कंसिडर लॉर्ड श्री कृष्ण एज एन ऑर्डिनरी ह्यूमन, ऑर्डिनरी मैन, बृहद विष्णु स्मृति के अंदर। सो प्रभुपाद जो है अपने तात्पर्य में ये श्लोक को कोट करते हैं, बृहद विष्णु स्मृति से ये श्लोक कोट करते हैं। यस ब्रो पढ़िए हाईलाइट। There are many devotees who assume themselves to be in Krishna consciousness and devotional service, but at heart do not accept the Supreme Personality of Godhead, Krishna, as the absolute truth. For them, the fruit of devotional service going back to Godhead will never be tasted. So, ये even ऐसे भक्त भी होते हैं जो सिर्फ नाम मात्र के लिए माला जप करते हैं, धोती कुर्ता तिलक कर लेते हैं, और उत्सव में दिखते हैं, फेस्टिवल्स में दिखते हैं, बट हृदय से वो ये स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि कृष्ण ही भगवान है। ऐसे लोग भी इस कैटेगरी में आते हैं, ये जो श्लोक बोल रहे हैं, ऐसे लोग भी बेविल्डर हो जाते हैं, ऐसे लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे लोग भी डिफीट हो जाते हैं मोघा जैसे। सो इसलिए लिखते हैं, देर आर मेनी डिवोटीज, प्रभुपाद फर्स्ट लाइन ही लिखते हैं, who assume themselves to be Krishna consciousness and devotional, but at heart do not accept Krishna as absolute truth. Krishna की भक्ति करते हैं, सब करते हैं, पर कृष्णा ही भगवान है, कृष्णा की ही शेल्टर लेनी है, ये उनके अंदर श्रद्धा डेवलप नहीं होती है। वो सोचते हैं ये करना अच्छा है, पर दूसरी चीजें भी जरूरी है करना, ये देवी देवता के मंदिर भी जाना जरूरी है, और ये कर्म कांड करना भी जरूरी है। तो ऐसे लोग भगवान के धाम में एंटर नहीं हो सकते, भगवान के धाम में लोग नहीं जा सकते। सो इस तरह से ये डिस्क्राइब करते हैं। यस प्रभु पढ़िए, ये ट्रांसलेशन बृहद विष्णु स्मृति से लेते हैं प्रभुपाद। One who considers the body of Krishna to be material should be driven out of from all rituals and activities of the Shruti and Smriti. And if one by chance sees his face, one should at once take bath in the Ganges to rid himself from infection. ये just हमें explain करने के लिए बताएं कि ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, ऐसे लोग का हमें संग नहीं करना चाहिए।
जैसे इन्फेक्शन की तरह ये ऐसा इसमें बताया। तो ऐसे लोगों का अगर हम संग करेंगे जिसके पास श्रद्धा नहीं है कि कृष्ण ही भगवान है, या जो मायावाद है, ऐसे लोग का संग करने से हमें भी वैसा इन्फेक्शन लग जाता है। अभी इन्फेक्शन कैसा है, कोरोना जैसा कि हो गया, हम उसके टच में आ गए बट हमें पता नहीं चलेगा हम बीमार हो गए, वो वायरस अंदर चला गया, वो 7-8 दिन के बाद मैनिफेस्ट होता है। इसलिए हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, बैठते हैं और चर्चा करते हैं, कॉन्फिडेंशियल चीजें डिस्कस करते हैं, उसके साथ आदान प्रदान करते हैं, तो उनकी जो मेंटेलिटी वो हमारे अंदर भी आ जाती है। इसलिए इतना स्ट्रिक्ट वे से श्लोक में बोला है कि ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, और ऐसे लोग का दर्शन भी दिखे तो गंगा में स्नान कर दो। ये जस्ट बताया है कि ऐसे लोगों का संग करना कितना डेंजर है। तो इसलिए जिनके पास श्रद्धा नहीं है, जो बहुत डाउटफुल रहते हैं, उनसे दूरी बनाए रखें। हमें प्रचार करने का प्रयास करना चाहिए उन्हें, बट अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, तो फिर हमें उनका ज्यादा संग नहीं करना चाहिए। इस तरह से दुरात्मा की कैटेगरी कृष्णा 11वें और 12वें श्लोक में बताते हैं। अब 13वें और 14वें श्लोक में महात्मा की कैटेगरी बताते हैं। दुरात्मा ये दो लोग हुए, ये दो श्लोक के अंदर आए। अब महात्मा कौन है वो 9.13 और 14 में बताएंगे, और उनका क्या डेस्टिनेशन होता है वो उसमें बताएंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, any doubts? हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु। तो जैसा कि आपने बताया कि जो लोग होते हैं वो एक्ट करते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहने का, लेकिन बाय हार्ट वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो आपने एक एग्जांपल बताया कि वो ये समझते कि कर्मकांड करना भी जरूरी है, देवी देवता का भी पूजना जरूरी है, राइट? तो ये एक सिम्टम हुआ। और ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स है जो जिससे पता चलता है कि वो हार्ट से वो कृष्णा को एक्सेप्ट नहीं करते भगवान, एज अ भगवान? वो जो हार्ट से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो सबसे पहले तो कैसा है कि एक तो जैसे मैंने बताया कि जो भी शास्त्र में दिए गए हैं, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम को, उसको वो पूरा स्वीकारते नहीं है, उसको वो पूरा अप्लाई नहीं करते हैं, अप्लाई करने का प्रयास भी नहीं करते हैं। और हमें सिर्फ दिखता है कि ये भक्त है और कुछ पढ़ रहा है, उसके लाइफ में, उसके बिहेवियर में वो चेंज नहीं दिखेगा। जैसे दूसरे भक्तों के बिहेवियर में, उनके आचरण में, उनके थॉट प्रोसेस में, उनके एटीट्यूड में, उनके बिहेवियर में, उनके कैरेक्टर में चेंज आता है, ये फिलॉसफी जब वो एक्सेप्ट करता है, ये जो सिद्धांत है जब अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, तो उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, उसका कैरेक्टर, उसके थॉट्स, ये चार चीजों में परिवर्तन आते हैं, इम्प्रूव होते हैं, नो एडवांसमेंट होता है, ये चार चीजों में अपग्रेड होता है ये सब। तो ये चीजें दिख जाती है उसके आचरण से। जैसे अगर कोई इतना सीरियस नहीं है, जिसने हार्डली एक्सेप्ट नहीं किया कृष्णा कॉन्शियसनेस को और सुपरफिशियली एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्या होगा जब कोई क्राइसिस आएगा तो वो अपने रियल कलर में आ जाएगा। जब उसके जीवन में कुछ कठिन परिस्थिति आएगी, ये होगा, तो भक्ति छोड़ देगा, है ना? या जब उसकी जीवन में बहुत संघर्ष या फेलर आएंगे, तो धीरे 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 वो डाउन होने लगेगा, और उसको वो फील नहीं होगा मैं डाउन हो रहा हूँ कृष्णा भक्ति, मुझे लग रहा है नॉर्मल ही है ऐसा। तो वो कॉन्शियसली कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, अनकॉन्शियसली कृष्णा कॉन्शियस। कोई कठिन परिस्थिति आई तो यू नो उसके लिए माला करना नहीं करना कोई बड़ी मैटर नहीं है, उसके लिए मंदिर नहीं आना, संग नहीं करना कोई उसके लिए ज्यादा सीरियस मैटर नहीं है। तो ये सब चीजें हैं, मोग आशा मोग कर्मणा मोग ज्ञाना। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी प्रश्न ये था कि जैसे अभी आपने बताया कि जो मतलब डिवोटीज होते हैं जो मतलब कॉन्शियस नहीं है, ऐसा मतलब जो अभी तक नहीं मान रहे हैं कि कृष्ण जी मतलब सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, तो मतलब वो क्या रीजन है कि वो नहीं मान पा रहे हैं, मतलब इस रीजन से क्या रीजन है नहीं मान पा रहे हैं? बहुत सारे रीजन है। एक तो
वो प्रॉपरली संग नहीं कर रहे, प्रॉपर एसोसिएशन नहीं ले रहे अच्छे से। दूसरा ये भी हो सकता है कि उनके पूर्व जन्म के कर्म इतने वो बायस नहीं है कि वो कृष्णा को एक्सेप्ट कर पाए, अभी भी उनको कुछ और टाइम लगेगा। उनके कर्म हो सकते हैं, फिर उनके एक्टिविटीज, उनको वो संगति में है भी तो भी उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। और ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से वो नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे। हम देखते ना कई लोग होते हैं जो जिनको कितना भी समझाओ, कितना भी फिलोसॉफी दो, कितना भी एसोसिएशन दो, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है उनके अंदर, वो उधर ही अटके रहते हैं। सो वो यू नो बिकॉज अपनी अंडरस्टैंडिंग से बहुत अटैच रहते हैं, अपने ओपिनियन से बहुत अटैच रहते हैं, अपने आइडियाज, अपने आइडियोलॉजी से बहुत अटैच रहते हैं, उसको छोड़ नहीं पाते, रिजिडाइज मोड में रहते हैं और बहुत पेसिमिस्टिक होते हैं वो, तो इसलिए ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। कृष्णा एक्चुअली बताते हैं कि कौन मुझे एक्सेप्ट कर सकता है, जो श्रद्धापूर्वक मेरे भक्तों का संग करता है वही मुझे एक्सेप्ट कर सकता है। फेथ एसोसिएशन से आता है, पर ये लोग ऐसे कैटेगरी के ना कि एसोसिएशन में जाते हैं तो भी फेथ इनके अंदर डेवलप नहीं होता है, बिकॉज क्योंकि इनके यू नो कर्मास उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग उनकी आइडियोलॉजी से वो अटैच्ड है, ये रीजंस है कुछ। बट ऐसे लोग भी एडवांसमेंट कर सकते हैं अगर वो somehow एसोसिएशन में आते रहें, प्रसाद लेते रहें, फिलोसॉफी सुनते रहें, सेवा करते रहें, धीरे धीरे इस लाइफ में नहीं तो नेक्स्ट लाइफ में। कृष्णा किसी को छोड़ते नहीं है, एक बार जो उनके शरण में आता है कृष्णा उसको छोड़ते नहीं है। वो भले कृष्णा को छोड़ दे और उसे भले ऐसा लगता हो कि मैंने कृष्णा को छोड़ दिया है, बट एक बार जो भगवान की शरण में आता है कृष्णा उसको कभी रिजेक्ट नहीं करते हैं। उस वो भले रिजेक्ट करके चला जाए बट कृष्णा उसको इस लाइफ में नहीं तो फिर नेक्स्ट लाइफ में पकड़ के वापस तो लेके आएंगे। हरे कृष्णा। और कोई क्वेश्चंस?